डब्ल्यूडब्ल्यूई सर्वाइवर सीरीज जो भाई इस बार काफी तगड़ा होने जा रहा है भाई, काफी रिटर्न और काफी चीज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। दोस्तों ये मेन इवेंट मैच होगा भाई सर्वाइवर सीरीज के अंदर, जो भाई हमारा 26 नवंबर को है भाई, काफी तगड़ा होने वाला है और इस मैच से रिलेटेड भाई मैं आपको काफी चेंज बताने वाला हूँ। तो उससे सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहले बात करें भाई हमारे मिस और गंठर वाले मैच की, तो दोस्तों भाई ये मैच भाई काफी टाइम से मतलब जो मिस है वो चाहते थे, और दोस्तों मिस भी जो है भाई वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भाई काफी टाइम से चाहते थे। क्या दोस्तों मिस का कैरेक्टर अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में भाई वापस अच्छा होता जा रहा है, और दोस्तों मिस भाई इसी के साथ ये भी दावा कर चुके हैं कि भाई वो गंटर को सर्वाइवर सीरीज में हरा के भाई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत जाएंगे। तो दोस्तों मिस जीतेंगे या नहीं भाई कमेंट करके जरूर बताना। हमारा मैच दोस्तों सर्वाइवर सीरीज के अंदर होगा, दूसरा या तीसरा मैच हमें देखने को मिलेगा, और आई होप भाई मिस ये बेल्ट जीत जाए क्योंकि मैं चाहता हूँ मिस जीते। अगला मैच दोस्तों हमारा होगा भाई डैमेज कंट्रोल भाई, जो हमारी अभी नई बनी है उसके वर्जन पर होगा हमारी भाई अंका बेला, शॉर्ट जी, शार्लेट और भाई मेरी फेवरेट बैकी लेंज। दोस्तों अभी भाई कुछ टाइम पहले डैमेज कंट्रोल बनी है, लेकिन इससे भी बाद मैं आपको एक चेंज बताने वाला हूँ जो इसके रिलेटेड यहाँ पे होने वाला है। दोस्तों कुछ टाइम पहले भाई आस्का ने जो ज्वाइन किया, तो दोस्तों हो सकता है कि ये लोग बेली को अपनी टीम से निकाल दे पूरी तरीके से, क्योंकि इन्हें भाई कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो बेली भाई वो इस टीम के अब लायक नहीं है। दोस्तों यहाँ पे तीन चाइनीज है, तो ये सोच रहे भाई यहाँ पे बेली को निकाल दे। खैर दोस्तों ये मैच भाई काफ़ी तगड़ा होने जा रहा है क्योंकि वर्सेस की टीम भाई मेरी फेवरेट है यहाँ पे वुमेंस की। दोस्तों मैच काफी तगड़ा है, लेकिन इस मैच के बाद दोस्तों बेली को निकाल दिया जाएगा। खैर दोस्तों ये मैच भी भाई हमें देखने को मिलेगा सर्वाइवर सिटीज वॉर गेम में, जो भाई एक वॉर गेम मैच ही होगा। बात करें यहाँ पे ट्रैवल चीफ रोमन रेंस की, दोस्तों इनका इस बार मैच होगा या नहीं भाई काफी बंदे ये भी सोच रहे होंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं रैंडी ऑर्टन और भाई सीएम पंक का भी मैं आपको अपडेट अभी बताऊंगा, लेकिन बात करें यहाँ ट्रैवल चीफ रोमन रेंस की, दोस्तों हो सकता है भाई इनको इस बार कोई मैच ना मिले क्योंकि दोस्तों सर्वाइवर सिटीज को भाई अभी कुछ दिन नहीं रह गए हैं और सर्वाइवर सिटीज भाई अभी तक रोमन रेंस ने भाई स्मैकडाउन भी नहीं आए। दोस्तों हो सकता है कि ब्लड लाइन के मेंबर्स को मैच मिल जाए, लेकिन भाई रोमन रेंस शायद मैच ना खेले। अगली बात करें दोस्तों मेन इवेंट जो हमारा यहाँ पे होने जा रहा है भाई काफी तगड़ा है, लेकिन भाई इससे भी रिलेटेड मैं आपको एक चेंज बता देता हूँ कि हर बार मैच में पांच पांच बंदे होते हैं, लेकिन इस बार चार चार है। तो हो सकता है दोस्तों यहाँ पे जो जजमेंट डे में अभी भाई जैसे हमारे ड्रू मैकइंटायर अपना फेस चेंज करके भाई रिया रिपली के साथ हाथ मिला चुके हैं, तो हो भी सकता है कि भाई जजमेंट डे के अंदर भाई ड्रू मैकइंटायर ज्वाइन हो जाए और उसके बाद भाई पांच पांच टीम में हो जाए, और उनकी तरफ से भाई या तो हमारे सीएम पंक देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे, जो भाई काफी तगड़ा मूवमेंट होगा इस मैच में, या हो भी सकता है दोस्तों रैंडी ऑर्टन भाई रिटर्न कर ले और रैंडी ऑर्टन को भी ये मैच मिल जाए। दोस्तों ये दोनों भाई काफी अच्छी टीम है, लेकिन दोस्तों उससे भी बड़ी बात इस मैच से रिलेटेड भाई ये है कि आज जो हमारा स्मैकडाउन बीता अभी पिछला स्मैकडाउन, उसमें भाई जब जिमी उसो और हमारे सोलो भाई एलन नाइट को मार रहे थे, तो भाई कूडी रोज ने भाई एलन नाइट को बचा लिया, और दोस्तों हो सकता है कि कूडी रोज भाई अपने टीम में एलन नाइट को शामिल कर रहे हो पांचवें मेंबर में। दोस्तों एलन नाइट को कूडी रोज हमारे रॉ में लेके आ सकते हैं, और उसके बाद दोस्तों ब्लड लाइन का कोई मेंबर भी भाई जजमेंट डे के साथ ज्वाइन हो सकता है, ऐसा पक्का नहीं क्योंकि दोस्तों अभी दूसरी तरफ जे उसे है और जे उसे और जिमी उसे को दोस्तों इतनी जल्दी यहाँ नहीं लड़वाएंगे। बात करूँ यहाँ पे सीएम पंक और रैंडी ऑर्टन की, जो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात ना फाइनल, तो दोस्तों इनका रिटर्न हमें सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिल सकता है क्योंकि दोस्तों सर्वाइवर सीरीज की एक ऑफिशियल वेबसाइट भी ऐसी है जिसमें भाई जिसने ये बताया कि भाई जो हमारे सीएम पंक है उसको भाई हम लोग देख सकते हैं पर्दे के पीछे सर्वाइवर सीरीज के। दोस्तों हो सकता है कि मैच किसी के खत्म होने के बाद या मैच के बीच में इन दोनों रेसलरों में से किसी एक का भाई रिटर्न हो सकता है, लेकिन भाई यहाँ पे ज्यादा चांस दोस्तों सीएम पंक के बन रहे क्योंकि सीएम पंक को भाई काफी टाइम हो गया डब्ल्यूडब्ल्यूई में ना आए हुए भी, और दोस्तों इतने टाइम के बाद दोस्तों सीएम पंक जो एएडब्ल्यू से भी अब जा चुके हैं, तो दोस्तों उन्हें भी अभी भी रेसलिंग भाई के करियर में चाहते हैं, इसलिए भाई हो सकता है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ जाए। और यहाँ तक कि ट्रिपल एच का भी दोस्तों ये ख्याल आ गया है कि जो सीएम पंक है उन्हें भाई अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस ले ले क्योंकि दोस्तों जो फैंस है उनकी मांग काफी हो गई है। यहाँ तक जब हमारा क्राउन ज्वेल हुआ था तो उसमें भी दोस्तों सीएम पंक की भाई काफी ज्यादा मांग थी, मैच की शुरू होने से पहले भाई काफी लोग सीएम पंक भाई चिल्ला रहे थे, और हो भी सकता है कि सीएम पंक हमें रॉयल रंबल में देखने को मिल जाए क्योंकि अगर हमें सीएम पंक रॉयल रंबल में देखने को मिलेंगे तो दोस्तों इसका मतलब सीधा यही है कि भाई उनका मैच भाई सीधा रोमन रेंस होगा। बात करूँ यहाँ पे रैंडी ऑर्टन की, दोस्तों हो भी सकता है कि भाई ये हमें रॉयल रंबल में देखने को मिल जाए क्योंकि दोस्तों रैंडी ऑर्टन भाई अभी काफी तगड़े चल रहे हैं क्योंकि ये इतने टाइम से आए भी नहीं है, और ये रॉयल रंबल भाई काफी अच्छी तरीके से खेलते हैं, इसलिए दोस्तों इस स्टोरी में भाई रैंडी ऑर्टन को रॉयल रंबल भाई जितवाया जा सकता है जिसके कारण उनका नेक्स्ट मैच रोमन रेंस से होगा। लेकिन दोस्तों उससे भी बड़ी बात भाई ये है कि इस बार हमारे रैंडी ऑर्टन नहीं है सर्वाइवर सीरीज में, और 2002 में जब हमारी सर्वाइवर सीरीज हुई थी तो भाई रैंडी ऑर्टन ने एक ब्रेकिंग न्यूज दी थी भाई, आज भी मेरे को सीन याद है। रैंडी ऑर्टन ने यहाँ बताया था कि दोस्तों यहाँ मेरा हार्ट टूटा हुआ है जिस कारण भाई मैं नहीं लड़ सकता, लेकिन मैं वापस भाई कम बैक होऊंगा और डब्ल्यूडब्ल्यूई में भाई लड़ूंगा। दोस्तों इस वक्त भाई रैंडी ऑर्टन सबसे भाई काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहे थे, और रैंडी ऑर्टन
टाइटल भाई अब जो हमारे सर्वाइवर सीरीज में भी देखने को मिल सकते हैं। चांस दोनों के भाई काफी ज्यादा सीएम पंक और रैंडी ऑर्टन के, लेकिन मैं चाहूंगा भाई रैंडी ऑर्टन पहले रिटर्न करे। दोस्तों आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं WWE से अपडेट और रैंडी ऑर्टन भाई हमारे सीएम पंक से अपडेट आपको पहुंचाता रहूंगा वीडियो ऐसी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।